पिंकी बेटा, ओ पिंकी, क्या कर रही है? अभी तो पढ़ाई कर रही है, जा जाके कपड़े धो पड़ा। माँ मुझे पढ़ने दो, फिर स्कूल भी तो चले जाना है। हाँ हाँ चली जाना, लेकिन अभी कपड़े धोना जरूरी है। नॉक 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 नॉक, घर में कोई है? हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ, क्या काम है? आप गए हैं बहुत दूर से, लेटर आया है। हाँ लाइए, दे दीजिए। ये लीजिए और यहाँ साइन। ये साइन क्या होता है? पर है। हाँ छोड़ो ना। लगा दीजिए। यहाँ अंगूठा लगा दीजिए। ओह गॉड, क्या लिखा है इसमें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया है। अब तो बाहर जाके किसी और से पढ़ने के लिए कहना पड़ेगा। हम कब बुलाया? आपको बुलाया। हाँ जरूर बताइए। आप जरा पढ़कर बता सकती हैं इसमें क्या लिखा है? हाँ जरूर, मैंने तो पूरी पांचवी क्लास पढ़ी है, पूरी पांचवी क्लास। लाइए दीजिए। इसमें लिखा है, अरे भाभी जी इसमें अक्षर बहुत छोटी छोटी है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ऐसा है? हाँ आप लीजिए, मैं अपना चश्मा लेके आती हूँ। ठीक है। कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। चश्मा लेने गई है या मोतिया उतारने? अब तो किसी और से पढ़ने के लिए कहना पड़ेगा। अरे बहन जी जरा सुनिए ना। अब भाभी जी आपने हमको बुलाया? हाँ हाँ आपको बुलाया। क्या काम है आपसे? एक काम था मुझे। हाँ हाँ बोलिए, हम तो सबके काम में काम आते हैं, आपका भी काम हम कर देंगे। आप जरा पढ़कर बता सकते हैं इसमें क्या लिखा है? अच्छा पढ़ना है, लाइए लाइए। हमको स्कूल में बार बार पढ़ने के लिए खड़ा कर देते हैं, हम पढ़ के दिखाते हैं। इसमें लिखा है लीजिए पकड़िए भाभी जी, कहाँ मेरे पास इतना फालतू का समय है। देखो देखो मेरा फोन भी आया। एक का पता नहीं चश्मा लेने गई है या मोतिया उतारने, और दूसरे का पता नहीं कहाँ से जो फोन आ गया। अब तो किसी और से पढ़ने के लिए कहना पड़ेगा। नभना हाँ आ रही हूँ। अरे भाभी जी आप? हाँ मैं आपको दिखाई नहीं देती हूँ, ईद का चांद हो गए। हाँ घर में थोड़ा सा काम रहता है ना इसलिए। ओ मुझे चीनी चाहिए थी। हाँ आइए ना, मैं आपको चीनी देती हूँ। और बताइए कैसे है? ये तो जब भी आती है कुछ ना कुछ मांगती रहती है। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाभी जी। कागज कैसा है? देखिए ना भाभी जी, सुबह से लेकर आया, अब तो शाम होने को आई, मुझे अभी तक नहीं पता चला इसमें क्या लिखा है। ओ आप तो काफी पढ़े लिखे लगते हैं, नहीं पहचाने आप? तो आप जरा पढ़कर बता सकते हैं इसमें क्या लिखा है? हाँ जरूर, मैं तो पूरी दसवीं क्लास पढ़ी है, पूरी दसवीं। अभी पढ़कर बताती हूँ। ओ गॉड, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। भाभी जी हाँ बताइए ना इसमें क्या लिखा है? जी नहीं, अंग्रेजी में लिखा है, आपको समझ नहीं पड़ेगा। बहुत बुरी खबर है। ओ गॉड, बहुत बुरी खबर है? जी हाँ बहुत बुरी खबर है। लाइए मुझे चीनी दीजिए। हाँ हाँ लीजिए आपको चीनी। ठीक है मैं जा रही हूँ, बाद में आऊंगी। ओ गॉड, कितनी बुरी खबर होगी इसमें। अब तो कल जब पोस्ट बाबू आएगा वही बता सकता है इसमें क्या लिखा है। काश मैंने भी पढ़ लिया होता। ओहो ये मैं क्या बोल रही हूँ। अरे ये दरवाजा भी खुला है। माँ मैं आ गई, माँ मैं आ गई, माँ मैं आ गई। अरे बेटा तू कब आई? माँ मैंने अभी तो कहा कि मैं आ गई। बेटा वो मेरा ध्यान नहीं था इसलिए। क्यों क्या हुआ माँ? बेटा देखना सुबह से लेटर आया है, मुझे अभी तक नहीं पता चला इसमें क्या लिखा है। अच्छा ऐसा है? और वो पड़ोस वाली काकी है ना, वो तो बता रही थी कि इसमें काफी बुरी खबर लिखी है। ऐसा है क्या? आप टेंशन मत लो, मुझे पढ़ना आता है। अरे वाह बेटा तुझे पढ़ना आता है? हाँ माँ। तुझे आप पढ़ के बता दो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि नानी जी। क्या नानी जी? गौर चल बसी। अरे नहीं, इसमें लिखा है कि ये लेटर नानी जी के तरफ से आया है और नाना जी। क्या नाना जी? ओ गौर चल बसे। इसमें लिखा है कि ये लेटर नानी जी के तरफ से आया है और नाना जी भी यहाँ सकुशल मंगल है,
वादा करते हो कि तुम्हें जहाँ तक पढ़ना होगा मैं तुम्हें वहाँ तक पढ़ाऊंगी। मुझे आज पता चल गया है कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। आपने देखा कि अनपढ़ होने से कितनी तकलीफ हो सकती है। आपके आसपास या घर में ऐसी तकलीफ ना हो, इसलिए सब पढ़े, सबको पढ़ाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।